हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज प्रेरणा. सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो. सो आई एम बैक विद आफ्टर मैनी एजेस, मतलब मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ. मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि हर बार आती है, सॉरी बोलती है, चली जाती है, अगली टाइम से एक्टिव रहूँगी, बट नहीं आती. सॉरी गाइस, मतलब क्या करूँ, मतलब एक्टिव नहीं रह पा रही. सो बट टुडे, मतलब मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ, मतलब एक व्लॉग लेके आई हूँ मेरा, मतलब जो कि है मेरा सिस्टर्स वेडिंग व्लॉग. मीन सिस्टर वेडिंग, मतलब जो दीदी हैं उनकी शादी हुई थी. तो मैं थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो शादी है वो मैं करके आ चुकी हूँ. मेरी मेहंदी देख के मतलब छुटने वाली, मतलब मैं शादी करके आ चुकी हूँ, शादी मतलब मेरी दीदी की हो गई. तो मैं वो क्लिप्स जो है वो क्लिप्स दिखाने वाली हूँ आपको इस वीडियो में, कि जो मैंने वो छोटी छोटी क्लिप्स शूट कर ली थी. मेरा बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, तो मैंने जस्ट क्लिप शूट कर ली थी ऐसे कि अगर मन किया तो मैं बना लूँगी. तो मैं वही व्लॉग बना रही हूँ अब उसका. तो मैं जो क्लिप्स हैं वही आपको दिखाने वाली हूँ. और जो ये दीदी वही हैं जिनकी मैंने इसे थोड़े महीनों पहले जिनकी मैंने सिस्टर्स इंगेजमेंट ब्लॉग करके एक वीडियो डाली थी, वही उन्हीं दीदी की अभी वह शादी है. तो पहले तो उनके जो अपने अब तक वो वाले ब्लॉग नहीं देखा, तो जल्दी से मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो जाके देख लीजिएगा. एंड उन्हीं दीदी की शादी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग नोएडा गए थे. तो मैंने ट्रैवलिंग व्लॉग तो नहीं बनाया है, हम नोएडा गए थे. तो नोएडा और हम पहुँचे थे, मीन्स उनकी जब मेहंदी हो रही थी हम तब गए थे. तो उस मेहंदी का भी मैं कुछ नहीं बना पाई, बट अगले दिन जब हम मैरिज हॉल पहुँच गए थे, मतलब उनकी मैरिज की जो स्टार्टिंग, वहाँ से मैंने पूरी वीडियो बनाई है. तो मैं आपको वही क्लिप दिखाने वाली हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. अब मैं दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ सबसे पहले क्या आउटफिट पहनी थी. मतलब मैं अपनी रेडी होने से शुरू करती हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, अपने मतलब मैं रेडी हुई उसके बाद शुरू करती हूँ. तो सबसे पहले अब मैं दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ पे कौन सी आउटफिट पहनी थी. सो या, सो दिस इज माय आउटफिट. एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. So now time for some pictures. Take this damage in the way I feel, can't stand it. देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है. चलिए अब मिलते हैं बी से. सो माय सम मोमेंट्स विद दी. हेलो, आज के वीडियो
क्या मिल के आते हैं मेरे जीजू से। देखे देखे रहना किसी और दिखा देगी।
और अब जाने लाहौर आया, मैं उस दिन छोड़ आया, एक मोहर आया, मैं उस दिन दीदी की एंट्री का आवे गई रा मन बुलावा दीवान प्रेम ने मौसम छे अब आ मेरे पास रह जा मेरे साथ प्रेम ने मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां गाना तारा छपीला तारा रंगीला तारा अकबरू दुए तारी बात रे जो गाना तारा और छपीला तारा और रंगीला तारा अकबरू दुए तारी बात बात रे। तो अब टाइम है दीदी की दूसरी एंट्री का।
सो गाइज अब वरमाला वगैरह हो चुके हैं और अब हम चलते हैं घर पे फेरे वगैरह के लिए. 2000 years later. सो गाइज अब पूरी शादी हो चुकी है और अब टाइम आ चुका है हम लोगों की कमाई का. सो अब जो यहाँ पे गेट रुकने वाली सम होती है वो चुकी है. जी जी गलत बात है. इतनी सारी सालियां मिली आप कितने लकी हो. कोई ना पेटीएम कर दो. मेरा कम नाम बताओ. कौन सी कॉल भी चलाई. आज झगड़ रही है तो कितने मांग रही है. बैठी रहो. इतनी कंजूसी ठीक नहीं है. देख ले रही है. इतनी कंजूसी ठीक नहीं है. पढ़ेंगे आपको और क्या. तुम्हारी सालियां और किसी की नहीं है. जूते चुराए नहीं. जूते छुपा लिए. छुपा ले. छुपा जूते. बड़े चुर गए. अरे तू जूता ले ही मत. सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो ये वीडियो जब बस मेरी वहां तक की है जो मतलब कि मतलब जीजू से थोड़ी सी हमारी बातचीत चल रही थी जब मेन वाली. ये वीडियो थोड़ी वहीं तक की है क्योंकि उसके बाद फिर मतलब उसके बाद सब कुछ होने का मतलब दीदी का विदाई का टाइम आया था और विदाई के टाइम पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट की. मतलब अब ऐसा ही लगता है ना कि दीदी जा रही हूँ मैं शूटिंग पे लगी पड़ी हूँ अपनी. तो मैंने विदाई के टाइम की कोई शूटिंग नहीं करी थी और उस टाइम बहुत मॉर्निंग में दीदी की विदाई हुई थी. मेरे को बहुत तेज नींद आ रही थी तो मतलब मैं बैठे बैठे ऐसे करके सो रही थी मैं. तो मैंने कोई भी शूट नहीं कर पाई उस टाइम का. तो जस्ट ये बस विदाई की इसमें विदाई वाली वीडियो नहीं है. तो वो विदाई की वीडियो नहीं थी इसमें. सो गाइस मैंने ऐसा अपना छोटी क्लिप्स लगा के मैंने अपना पूरा व्लॉग बना लिया है. सो गाइस आपको ये व्लॉग कैसा लगा सबसे पहले तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए कमेंट बॉक्स में. क्या गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए.
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, जो कि काफ़ी सालों बाद आती है बट आपको मेरी उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को चेक कर सकें। एंड कमेंट में तो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड ये रही मेरी इंस्टा आईडी, इधर भी जाके मुझे फॉलो कीजिए क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब मैंने पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, और मैंने काफ़ी फोटोज़ जब शादी की बात आई थी मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज भी डाली थी उसमें, तो अगर नेक्स्ट टाइम से आप मेरी स्टोरीज देख सकें सो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सो बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।